नमस्कार साथियों, आज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले क्वार्टर की जीडीपी की घोषणा की। ध्यान रहे 1996 से जब से क्वार्टरली जीडीपी के घोषणा का आरंभ किया गया, जब से लेकर आज तक ये जीडीपी की सबसे बड़ी गिरावट है। आज जीडीपी ग्रो नहीं करी है, क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ हुई है -23.9% की। ध्यान रहे इस 23.9% की डी ग्रोथ में एमएसएमई और इनफॉर्मल इकोनॉमी को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। देश के सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यदि हम एमएसएमई और इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कि लॉकडाउन में सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, अगर उनको भी हम जोड़ लें तो ये जीडीपी की डी ग्रोथ जो आज -23.9% सरकार बता रही है, ये -30 से -35% पर जाके गिरेगी। साथियों, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण नहीं हुआ, क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर में भी जीडीपी 3.1% पर आके गिर चुकी थी, उसमें कोरोना का कोई प्रभाव नहीं था। पिछले दो सालों में क्वार्टर दर क्वार्टर जीडीपी गिरी है, सिवाय एक क्वार्टर के जिसमें 0.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है और इससे बाहर निकलने के क्या उपाय है। इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमी को दो भागों में विभाजित करना होगा, अर्बन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी में सेंटीमेंट्स के, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों की नौकरियां जा रही है, सर्विस सेक्टर डीग्रो कर रहा है, लोगों की सैलरी में कटौती की जा रही है, वहां पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का संचार करना पड़ेगा। और रूरल इकोनॉमी जो आज अर्बन इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, क्योंकि जिस चीज का माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया करते थे, मनरेगा का, आज उसी के कारण रूरल इकोनॉमी मार्जिनली अर्बन इकोनॉमी से बेटर कर रही है। तो अब इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? इससे बाहर निकलने के चार उपाय है। नंबर एक, अर्बन इकोनॉमी में और सर्विस सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का सृजन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को मोर के साथ नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो चैंपियंस हैं उनके साथ बैठक करनी पड़ेगी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। कैसे नई जॉब्स का क्रिएशन होगा सर्विस सेक्टर में, इसका ब्लूप्रिंट देना होगा देश को। और जो जॉब लॉस हुआ है उन लोगों को डायरेक्ट कैश सपोर्ट करके एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। दूसरा, रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट्स के बात करनी पड़ेगी, किस तरह रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह रूरल सेक्टर में डालने के लिए प्रेरित किया जाए, इसकी योजनाएं बनानी पड़ेगी। नंबर तीन बात, जो एमएसएमई सेक्टर है उसको लोन की खुराक नहीं, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उसको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी, उसको कैश सपोर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रहे एमएसएमई का जीडीपी में कुल योगदान लगभग 30-35% के बीच है। और नंबर चार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना लानी पड़ेगी, वो शेयर वाली मेक इन इंडिया नहीं, क्योंकि वो शेयर तो चीन की गलियों में घूम रहा है, ऐसी योजना जिससे मैन्युफैक्चरर्स को कुछ इंसेंटिव मिले, उनको लेबर मुहैया करानी पड़ेगी। और लेबर मुहैया कराने के लिए जो माइग्रेंट्स गांव की ओर जा चुके हैं उनको वापस पॉजिटिव संचार देना पड़ेगा, उनके खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके उनमें एक पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी। जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा, जब भी डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड के लिए सप्लाई बढ़ेगी, अन्यथा ये माइनस का सिलसिला दर क्वार्टर चलता रहेगा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आप मोर, आप कुत्तों की बात तो करते हो पर इन जीडीपी की बात भी कर लीजिए, एक बार पूरी मन की बात सिर्फ जीडीपी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर कर लीजिए।